हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिमाचल की लोक संस्कृति और योग पुस्तक से चैप्टर 2 जरा याद करो कुर्बानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचली रियासतों के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में एक नाटक के बारे में लिखा गया है, जो नाटक देला स्कूल के ऊना ज़िले के बच्चों ने प्रदर्शित किया है। इस नाटक में आज स्वतंत्रता दिवस है, जो कि हमारे को बहुत आज़ादी जो है बहुत मुश्किलों के साथ मिली है, उसी के बारे में कि हमारे हिमाचली रियासत का क्या क्या योगदान रहा, किन किन लोगों ने 1857 के विद्रोह में या स्वतंत्रता संग्राम में उन लोगों के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और किन किन ने जो है वो अंग्रेज़ों का साथ दिया। आज स्वतंत्रता दिवस पर ऊना ज़िले के देला स्कूल में काफ़ी भीड़ है। इस चहल पहल में बच्चा हाथ में तिरंगा झंडा लिए मंच के आसपास खड़े हैं। मुख्य अतिथि एक स्वतंत्रता सेनानी, जो बच्चों की एकांकी जरा याद करो कुर्बानी देखने की बेचैन है। उनका पोता तथा पड़ोसी बच्चे एकांकी पेश करने वाले हैं। इस एकांकी के निर्देशन में उन्होंने स्वयं मदद की है। मंच पर जैसे ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचली रियासतों के योगदान की लघु एकांकी पेश करने के लिए बच्चे पहुंचते हैं, पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। बाल कलाकारों ने मंच पर आकर जय हिंद जय हिमाचल का उद्घोष कर दिया। एकांकी के सूत्रधार बख्शीराम ने पात्र परिचित करवाना शुरू किया। सूत्रधार वो होते हैं जो पूरे नाटक को जो है पेश करते हैं कि ये किरदार कौन है, ये किरदार कौन है, और बीच बीच में जो लिंक्स टूटे होते हैं उनको जोड़ने की काम करते हैं। जैसे कि अब आने वाली हैं रानी रणपूत, वंदना जी रानी की भूमिका में, इस प्रकार के जो रोल हैं वो सूत्रधार अदा करते हैं। तो इसमें जो किरदार हैं उनका इंट्रोडक्शन सूत्रधार जी करवा रहे हैं, जैसे वंदना रानी रणपूत की भूमिका में। ये फिर दूसरे नंबर पे आते हैं जो जेम्स ब्रिटिश सैनिक की भूमिका में है। तीसरे हैं विकास विलियम हे के किरदार में, प्रेम सिंह दरोगा बुद्धि सिंह के रूप में, अभिषेक ठाकुर राजा शमशेर सिंह की भूमिका में। ये किरदार आपको दिखाएंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की झांकी। इसके अलावा पात्र हैं शेखर राम प्रसाद बिरागी की भूमिका में, विनय प्रताप सिंह व मनोहर वीर सिंह की भूमिका में, और विजय अंकुर पहाड़ी सैनिकों तथा वजीर गोसाओं की भूमिका। आओ हम सब देखें ये एकांकी। पर्दा गिर जाता है करनाल ढोल नगाड़ों की आवाज़ से साथ, पर्दा पुनः उठता है। राम प्रसाद बिरागी जी पेश होते हैं। वो कहते हैं बहुत हो गई शांति, अब ये धरती मांगे क्रांति। अंग्रेजों के दमन का दो जवाब, मिटा दो दुश्मन की भ्रांति। वंदे मातरम लो विजय, ये पत्र महाराजा पटियाल के पास पहुंचा दो, और दूसरा पत्र नसीरी बटालियन के कमांडर के पास पहुंचा देना। गुपचुप ये पत्र वहां पहुंचा देना। तभी एक सैनिक जो विजय है बोलता है, मगर ये पत्र गुपचुप क्यों पहुंचाना है पुजारी जी? स्पाटू के मंदिर में कल भी आपको कुछ फिरंगी घूर रहे थे। फिर भी मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। राम प्रसाद बिरागी ये जवाब देते हैं, शाबाश, होशियारी से जाना, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना होगा, ये पत्र इसमें मदद करेंगे। जानते हो जनसाधारण पर अंग्रेजों ने बड़ा सितम ढाया है, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण कर रहे हैं। ये फिरंगी हमें पिछड़ा असभ्य वे हीन कहते हैं। तो सामने से विजय कहता है, हाँ पुजारी जी सच कहा आपने, हमें भी चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए मजबूर करने की खबरें मिली हैं। राजाओं की रियासतें छीनी जा रही हैं, कांगड़ा का राजवंश उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये फिरंगी। हमारे शिमला की रियासत पर तो उनका कब्जा होता जा रहा है, अनावश्यक हस्तक्षेप और कठोर नियंत्रण कर लिया है इस रियासत पर। ऊपर से हिंदू मुस्लिम सिखों को जबरन ईसाई बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं ये लोग। हम भी आपका साथ देंगे, चाहे इसका परिणाम मेरी मृत्यु क्यों ना हो। वंदे मातरम वंदे मातरम, और ये उद्घोष करते हुए वह विजय पत्र लेकर के घोड़े के ऊपर बैठकर राम प्रसाद जी को नमस्कार करके निकल जाता है। और राम प्रसाद बैरागी जी मंदिर की ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि वे एक पुजारी हैं। और तभी विलियम हे, जो एक ब्रिटिश अधिकारी है ऑफिसर है शिमला में रहता है, और एक जेम्स जो ब्रिटिश सैनिक है वो प्रवेश करते हैं। विलियम हे कहता है, जेम्स बहुत बुरी खबर है, बैरकपुर छावनी के में विद्रोह हो गया है। अगर यहाँ से ये खबर फैल गई तो विद्रोह
यहाँ भी हो सकता है, एक तो रियासतों के राजा हमसे नाराज़ हैं, वहीं किसान और जवान भी गुस्से में लग रहे हैं, समझ नहीं आता क्या करूँ। जेम्स जवाब देता है, सर हमारे 800 यूपी साथी आज शाम चर्च में इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे यहाँ शिमला में करीब 300 अंग्रेजी अफसर हैं, इनकी सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा, नसीरी बटालियन पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। तो सामने से विलियम हे कहते हैं, बिल्कुल सही, मैं यही करूँगा, मगर मुझे लगता है कि यही विद्रोह की खबर फैलने से पहले हमें यहाँ सारे सुरक्षा प्रबंध करने होंगे, जाओ सबको आदेश दे दो। जेम्स का जवाब आता है, ऐसा ही होगा सर। विलियम हे फिर से कहता है, क्वार्टर मास्टर जनरल कर्नल ए बेकर को संदेश देना कि शिमला जतोग जसवाटू दक्षाई कसोली व कालका से देसी सेना और पुलिस गार्ड्स को तुरंत अम्बाला भेज दो। और जेम्स सलाम करते हुए वापस चला जाता है और थोड़ी देर बाद दौड़ता हुआ वापस आता है, कहता है, सर गजब हो गया, संदेश आया है कि दिल्ली में कई ब्रिटिश अफसर कत्ल कर दिए गए हैं, हमारी कसोली की नसरी बटालियन अम्बाला जाने से मना कर रही है, शाम तक यहाँ भी हालात ख़राब हो सकते हैं। विलियम हे, ओह गॉड ये क्या हो गया, जल्दी चर्च जाओ और ताज़ा खबर लाओ। जेम्स दौड़कर चर्च की तरफ दौड़ता है और थोड़ी देर बाद फिर से हाँफता हुआ वापिस आता है। जेम्स कहता है, सर गजब हो गया, विद्रोह की लपटें यहाँ भी पहुँच गई, एक गोरखा सैनिक ने खुंखरी से हमारे ब्रिटिश अफसर की गर्दन उड़ा दी है, सब अंग्रेजों में हाहाकार व आतंक मचा है, देसी सिपाही बेकाबू हो गए हैं, इन्होंने कसोली में खजाना लूट लिया है, जुब्बल कोटखाई कोटगढ़ रामपुर किन्नौर हर जगह अधिकारियों के खिलाफ भी विद्रोह के समाचार मिल रहे हैं, शिमला आतंक शिमला कत्लेआम जैसी खबरें समाचार पत्रों में छपी जा रही हैं, अंग्रेज आतंक के मारे छिप रहे हैं, आखिर क्या करें हम लोग। विलियम हे जवाब देता है, उफ चलो बुशहर के राजा शमशेर सिंह के पास चलते हैं, शायद वे हमारी मदद करें। शमशेर सिंह तभी उस नाटक मंच पे आते हैं। शमशेर सिंह कहते हैं, हे ए विलियम क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, और 15,000 रुपये का नजराना भी भूल जाओ, मैं गद्दार नहीं हूँ, थू थू कहते हुए शमशेर सिंह चले जाते हैं। विलियम हे बोलता है, उफ मैं सबको देख लूँगा। जेम्स का सामने से जवाब आता है, अम्बाला मेरठ और दिल्ली की छावनियाँ में संदेश पहुँचा दो, वहाँ के विद्रोहियों को कोई मदद ना मिले, ओ गॉड मुझे लगता है कि सारी जनता पागल हो गई है। और सभी के सभी पात्र धीरे धीरे स्टेज से चले जाते हैं। तभी बुद्धि सिंह जो दरोगा के रूप में हैं और एक विजय जो पहाड़ी सैनिक हैं उसका प्रवेश होता है। बुद्धि सिंह विजय से कहता है, सब सिपाहियों को विद्रोह के लिए कहो, हम अंग्रेजी सत्ता को मिटा देंगे, बैरकपुर के बाद शिमला में भी क्रांति हो चुकी है, वंदे मातरम वंदे मातरम। ये सब कहते हुए इस उद्घोष के साथ दौड़ते हुए अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं, अंग्रेजी राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तभी स्टेज पर जनता से सूत्रधार जी कहते हैं, इधर अंग्रेजी सेना पर इन पर हमला कर देती है, लड़ाई होती है और पुलिसकर्मी मुठभेड़ में मारे जाते हैं, दरोगा बुद्धि सिंह ने स्वयं को गोली मार ली मगर अंग्रेजों के हाथ ना आया, जॉन लॉरिस ने अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड शिमला भेजे ताकि जतोग डगसाई व कालका के सैनिकों का विद्रोह दबाया जा सके, अंग्रेज कांप गए थे, जलंधर से नालागढ़ की ओर लगभग 600 सैनिक विद्रोह में मदद के लिए आने का समाचार मिलते ही जगह जगह अंग्रेजों के छापे मारने और लोगों के अस्त्र शस्त्र छीन लिए। आइए देखें अगला दृश्य। अगले दृश्य में दिखाया गया है बुद्धि सिंह जो दरोगा है वह विजय सिंह पहाड़ी सैनिक का प्रवेश होता है। ये जो सूत्रधार ने ऊपर बताया कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से सैनिक आए, उसी की इनेक्टमेंट हम लोग इसमें देखेंगे। बुद्धि सिंह विजय से कहते हैं, सब सिपाहियों को विद्रोह के लिए कहो, हम अंग्रेजी सेना को मिटाकर बैरक रूप के बाद शिमला में भी क्रांति हो चुकी है, वंदे मातरम वंदे मातरम, अंग्रेज मुर्दाबाद अंग्रेज मुर्दाबाद। फिर हमारे पास दृश्य दो आता है। विलियम हे मलोन के क्रांतिकारियों ने जमींदारों के साथ मिलकर वहां भी गार्ड पर हमला कर दिया है, सारा गोला बारूद लूट लिया है, एडवर्ड जॉन लेक ने कुछ पैदल सिपाही नालागढ़ भेजे मगर जलंधर से आई सेना ने वहाँ का कोषागार लूट लिया है, ब्रिटिश एजेंट का मकान नष्ट कर दिया है। जेम्स बोलता है, मगर वहाँ हमें चिंता नहीं है। विलियम हे सत्य है, शुक्र है कि बाघल के राणा कृष्ण सिंह ने और बिलासपुर के हीरा चंद ने 3400 शस्त्रधारी सैनिक हमारी सहायता के लिए भेजे हैं,
जेम्स, और ताज़ा खबर ये है कि वहाँ बड़ी मुश्किल से हमने विद्रोह दबाने में सफलता हासिल की है। सुना है कि सिरमौर बटालियन ने भी हमारी नसीरी बटालियन की तरह विद्रोह कर त्याग दिया है क्योंकि इनको बाहरी रियासतों से मदद नहीं मिली है। विलियम हे कहते हैं, हाँ हाँ, वह बटालियन तो बुलंदशहर जा चुकी है और वहाँ सुरजन सिंह तथा वीर सिंह ने अंग्रेजी सरकार को 20,000 रुपये की मदद भी दी है। ये लो पत्र, इसे पहुँचा देना, अंग्रेजी सरकार उनको इस वफादारी के बदले इनाम देगी। जेम्स कहता है, इनाम तो ज़रूर मिलना चाहिए हजूर, मगर इनाम क्या है। किले में वीर सिंह की प्रशंसा पत्र दिया जाए और राजा शमशेर सिंह प्रकाश को 7 तोपों की सलामी का अधिकार दिया जाए जाता है। हाँ, वजीर गोसाऊं को भी बुला लेना। वजीर गोसाऊं तभी प्रवेश करते हैं। हजूर, खुशखबरी है, मंडी रियासत ने हमने विद्रोह होते ही दबा दिया है। होशियारपुर में विद्रोह दबाने के लिए भी मैंने सैनिक भिजवाए हैं और मैं निजी रूप से 15,000 रुपये और मंडी रियासत की ओर से 125,000 रुपये दे रहा हूँ। विद्रोह का पूरा दमन होना चाहिए। विलियम हे कहते हैं, गोसाऊं, इसी कारण तो ब्रिटिश सरकार ने तुम्हें मंडी स्टेट का रीजेंट वह प्रतिशासक बनाने का निर्णय लिया है। शाबाश। और विलियम वजीर गोसाऊं चला जाता है। तभी विलियम हे जो है वह कहता है, कांगड़ा का दौरा करके आ रहा हूँ, हालात ठीक नहीं है। डिप्टी कमिश्नर मेजर आर टेलर को कांगड़ा किले में शरण दिलवाई है। वहाँ हमने 6 महीने का राशन भी रखवा दिया है। कांगड़ा किले में हथियारों व तोपों का युद्ध की दृष्टि से स्थापित कर दिया है। जेम्स जवाब देता है, वाह हजूर वाह, मगर पंजाब से कोई विद्रोही आ जाए तो क्या होगा। विलियम हे, कुछ नहीं, क्योंकि नूरपुर में बगावत होते ही उसे दबा दिया गया है। मियाँ मीर ने वहाँ हमारी मदद की। 26 नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह दबा दिया गया है। जुडिशियल कमिश्नर रॉबर्ट मॉन्टमेरी ने आदेश देकर लोगों के हथियार छीन लिए हैं। डीरा के राजा प्रताप चंद की गुप्त योजना को भी हमें पता लग गया था, उसे भी दबा दिया है। कांगड़ा की नदियों के घाट, वहाँ की नौकाएं हमने नष्ट कर दी हैं और कड़ा पहरा लगा दिया है। फिर भी क्रांतिकारी आ रहे हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं। जेम्स, अब तो कुल्लू लाहौर में भी विद्रोह दबाना होगा। चलिए हजूर, ये कहते हुए दोनों स्टेज छोड़ देते हैं। प्रताप सिंह की एंट्री होती है। प्रताप सिंह व वीर सिंह का जो एंट्री है उसको, जो प्रवेश है उसको क्रांतिकारी मुद्रा में दिखाया गया। दोनों क्रांतिकारी हैं। सिराज गांव में के नेगी कारदार, लंबरदार, जमींदार सब हमारे साथ हैं। अंग्रेजी शासन को हम हिला देंगे। अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद। वीर सिंह कहते हैं, सच कहा दोस्त, सिराज, कुल्लू और बंजार में तो आज़ादी की लड़ाई जोरों पर है। सूरतदास, मानदास, केशव राम, देवीदत्त, सरदूल, काशी, थुलराम जैसे साथी जान पर खेल कर काम कर रहे हैं। इतने में ही विलियम हे तथा कुछ अंग्रेजी सैनिकों के साथ स्टेज पर आ जाता है। सैनिकों, ख़त्म कर दो विद्रोहियों को। जेम्स, तुम पता लगाओ कि ये खत पटियाला के राजा और नसीरी बटालियन को किसने भेजे। पता लगते ही उसे पकड़ लाओ। भयानक युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है और लास्ट में प्रताप सिंह और वीर सिंह जो कई क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। प्रताप सिंह व वीर सिंह वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हम वतन पर मर मिटेंगे मगर तुम शासक फिरंगियों के आगे नहीं झुकेंगे कहते हुए चले जाते हैं। तभी रानी रणपूत, आप सच कह रहे हैं, हम इन अंग्रेजों के आगे नहीं झुकेंगे। राम प्रसाद विरागी व कई फकीरों को पकड़कर स्टेज पर लाया जाता है। राम प्रसाद विरागी, हमको मिटा दोगे फिरंगी हो तो क्या तुम्हारा शासन बच पाएगा, तुम्हारा शासन भी हमारे साथ ही फांसी चढ़ जाएगा। तभी विलियम हे बोलता है, ले जाओ इन सबको। रानी रणपूत के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला है कि इसको व इसके बेटे को देश निकाला दे दिया जाए। नाक में दम कर दिया है था तुम सब ने, अब होगी तुम सबको फांसी। सभी पात्र एक साथ, वतन की खातिर फांसी पर चढ़ना तुम्हारी गुलामी से बेहतर है कहते हुए चले जाते हैं। सूत्रधार और अंत, प्रताप चंद, वीर चंद, राम प्रसाद विरागी सहित कई क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है। फांसी पर लटकने से पहले सभी पात्र कहते हैं, जय हिंद। फांसी को हंसते हंसते स्वतंत्रता सेनानी झूल जाते हैं और पर्दा गिरने लगता है। सूत्रधार कहता है, जो आज़ादी आज मिली है
वह इनकी कुर्बानी इन वीरों के को है प्रणाम जिनके हैं ये अमर कहानी। सारे बच्चे इस दृश्य पर भाव विभोर हो उठते हैं तथा मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचली रियासतों की भूमिका के बारे में प्रस्तुत की गई एकांकी की प्रशंसा की। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा चित्रण किया गया है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने इसको पढ़ लिया होगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई कीजिए और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।